सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे चटपटी मसाला भिंडी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है, 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 1 बाउल दही लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मलाई ली है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और साथ ही में हमने फ्राइंग के लिए तेल लिया है और आधा ग्लास पानी लिया है। चटपटी मसाला भिंडी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शैलो फ्राई करने के लिए हमारी भिंडी को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडी को 2 टुकड़ों में ही कट किया है, आप चाहे तो इसे किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें भिंडी को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अब हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम मसाला भिंडी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा जीरा भून चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले एक एक करके ऐड करेंगे, जैसे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसकी मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और 1 पिंच हींग। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी खटास के लिए अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इन मसालों को लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। टमाटर जल्दी गलने के लिए हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएं। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इस मिक्सचर को हम मैश करते हुए अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी टाइप की थिकनेस लाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे मिलाकर 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। अब हमारी चटपटी भिंडी की ग्रेवी लगभग रेडी हो चुकी है।
अब हम इसमें एक चम्मच क्रीम ऐड करेंगे और साथ ही में 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। आप इस ग्रेवी की खटास अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो 1-2 चम्मच दही और डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और ढककर पकाएंगे। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी पकी है कि नहीं। फाइनली हमारी चटपटी भिंडी की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हमारी फ्राइड भिंडी ऐड करेंगे और इस भिंडी को सारी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी भिंडी सारे मसाले को अब्सॉर्ब कर ले। सबसे आखिर में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा देर और पकने देंगे। इस ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए हमें 5 मिनट और ढककर पकाना है। अब हमारी चटपटी मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए इसमें हम हरा धनिया ऊपर से ऐड करेंगे। आप इसे नान, पूरी, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।